Students, स्टूडेंट आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताऊंगा. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अधिकतर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए. सबसे पहले तो बच्चे ये नहीं जान पाते कि इक्वेशन क्या चीज होता है. व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स होता है कोई वेरिएबल, वो वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो. कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हम मान लेते हैं क्या हो गया, इक्वेशन बन गया. मीन्स एक्स की वैल्यू हो गई जीरो. दैट इज द इक्वेशन. वन वेरिएबल इक्वेशन का मतलब होता है कि ओनली वन वेरिएबल होता है. अब ओनली वन वेरिएबल का मतलब ये कई टाइप के होते हैं. पॉइंट में भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, होल फ्रैक्शन में भी होता है. ऐसे कई टाइप के फ्रैक्शन होते हैं. डेसिमल में भी होता है. अब डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब लीनियर इक्वेशन को हमें पढ़ना है, जानना है. कैसे जानेंगे क्या चीज होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इसमें वन वेरिएबल होता है. एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पहले सीखिए. चाहे जैसा इक्वेशन हो, सबसे पहले उसमें वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. अब इसमें भी समस्या आती है, बच्चे ट्रांसफर करने में गड़बड़ी कर देते हैं, उनसे भूल हो जाती है, साइन उनकी छूट जाती है, साइन पर विशेष ध्यान नहीं देते. जब बच्चे साइन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये मान करके चलिए उनका इक्वेशन कभी सही नहीं हो सकता. चाहे कितना भी उनको पढ़ाया जाए बट उनका इक्वेशन नहीं सही हो सकता. क्यों? जब साइन पर विशेष ध्यान देना होगा. अब साइन पर विशेष ध्यान देने का मतलब ये होगा कि वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए और इसमें भी ध्यान दीजिए. वेरिएबल के लिए हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड में किया जाता है और नॉन वेरिएबल को राइट साइड में कर दिया जाता है. ये अपनी आसानी के लिए होता है. कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, गलत नहीं हो सकता, वो नहीं गलत होगा बट प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा हार्ड लगता है. एग्जाम्पल में जैसे करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2x इधर है तो आने नहीं है, इज इक्वल टू इधर 7 है. अब यहां मामला पास आया प्लस 3 का. अब प्लस 3 को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड पे, राइट साइड में. तो किसी भी टर्म को जब राइट साइड या लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी साइन चेंज हो जाती है. वैसे भी जानते हो कि कोई भी चीज एक साइड से जब दूसरी साइड में जाता है तो उसका बिहेव, उसका नेचर सब कुछ चेंज हो जाता है. मीन्स प्लस 3 है तो इस साइड में आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा. अब ये हो गया, देखिए 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4. मीन्स x इज इक्वल टू 4. अब यहाँ देखिए 2 इंटू x है, इन दोनों के बीच में किसकी साइन लगी हुई है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई. और ये जानते हो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, प्लस
माइनस में चेंज होता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। मीन्स x इक्वल टू 4, अब ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का जब ट्रांसफर होता है तो कितना हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मीन्स हम डिवाइड कर दीजिए तो 4, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 4। ये तो एक सिंपल था। सेम इसी प्रकार का अब देखिए पॉइंट में जब आता है 2.5x + 7.5 = 9.5। देखिए सेम प्रोसेस वही है। अब करना क्या है, ये जानते हो कि सबसे पहले हम वेरिएबल को अपने साइड में लिख देते हैं। अभी 2.5x अगर x से मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी नॉन वेरिएबल में तो वो बन जाता है वेरिएबल। इज इक्वल टू इधर देखिए 9.5 दिया है, अब यहाँ देखिए +7.5 तक इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -7.5। इधर देखिए 2.5x है ही, अब 9.5 में से 7.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.0। मीन्स अब x इक्वल टू 2.0 अपॉन 2.5 हो गया, क्योंकि ये बताए हैं मल्टीप्लाई का जब ट्रांसफर किया जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। अब देखिए इसमें दोनों पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा है तो इसका मतलब इसमें 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 25। इसके बाद ये जानते हो कि इसको काट करके छोटा कर दिया जाता है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। 5 से काटिए 5 4 25 5 5 25, मीन्स x इक्वल टू 4/5, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ये वैल्यू कैसे सही है इसे हमें चेक करके देख लेना चाहिए कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। अब अगर इसको पॉइंट में आपको निकालना है तो x इक्वल टू 5 से 4 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। डिवाइड जानते ही, चेक करिए, चेक आंसर सही है या गलत, वही इक्वेशन लिख दीजिए 2.5x + 7.5 = 9.5। जहां x दिखाई दे रहा है x के स्थान पे अगर हम वैल्यू रखें तो दोनों साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो हम मान लेंगे कि हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर हमारा गलत है। 2.5 × x की वैल्यू है 0.8 + 7.5 = आना चाहिए 9.5। अब देखिए 25 8 = 200, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हो। जब दोनों साइड इक्वल हो गए हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट में हो गया, पॉइंट के बाद आता है फ्रैक्शन। पॉइंट के बाद फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में देखिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन मतलब होता है कि अपान में दिया रहेगा, अपान में देने का मतलब जैसे दिया है 1/2x + 1/5 = 2/6 या 2/7 कर दीजिए।
सेम प्रोसेस वही है जो अब तक आप लगा के चले आ रहे हो, सेम वही प्रोसेस है, मींस 1/2x इज इक्वल टू 2/7 -1/5। अब हर बच्चे को फ्रैक्शन का डिवाइड, फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ये सब आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, नहीं सही आएगा। 1/2x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अलग सॉल्व कर लीजिए, मींस देखिए 2/7 -1/5 दिया है, इसको ऐसे ले लीजिए, 7 × 5 = 35, 5 × 10 -7 = 7, तो 10 - 7 = 3/35। इधर आगे वैल्यू कितनी, 3/35। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है 1/2x = 3/35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स इससे इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, जब इक्वल टू बीच में रहता है तब, तो ये हो जाएगा 35x = 6, 35x = 6, मीन्स x = 6/35, ये हो गया आपका आंसर। इसको भी चेक करना है तो चेक कर लीजिए, देखिए हमारा आंसर सही आता है कि गलत, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करिए सबको चेक कर लीजिए। 1/2x + 1/5 = 2/7, ये आना चाहिए। देखिए अब x की वैल्यू जितनी आई है वो रख दीजिए इसमें, 1/2 × 6/35 + 1/5 = 2/7, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्ड को किसी छोटा भी कर सकते हो, 3 × 6 मीन्स 3/35 + 1/5 = 2 आना चाहिए, 2/7 आना चाहिए। इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 35 से इसमें डिवाइड करिए तो 1 आएगा, मीन्स 3 हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 = 2/7 आना चाहिए। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, 10/35, 5 से कार्ड को छोटा कर दीजिए, 5 × 10 = 5, 7 = 30। अभी आ गया देखिए प्रॉपर्टी, 2/7 = 2/7, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट। इसके बाद आता है ये तो सिंपल क्वेश्चन, अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए x + 1/x + 2 = 1/3, बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3 × x + 1 = 1 × x + 2, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब देखिए इसमें भी गलती करते हैं बच्चे, 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टर्म है अंदर, इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ भी दो टर्म है दोनों मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा कितना, 3x + 3 = 2, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसमें x प्लस 2 ही हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3x। हाँ अब देखिए समाधान हो जाएगा, अब आपको वही मेथड आ गया फिर कि अब हम क्या करें, करना ये है कि वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दिया जाता है,
मींस ये 3x इधर है और x को इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर है और ये 3 आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू। और यहां देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों की साइन अलग-अलग है, डिफरेंट साइन माइनस कर दिया जाता है तो माइनस कैसे करेंगे 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 मींस x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे मालूम कि हमारा आंसर सही है, फिर चेक कर लीजिए, चेक करिए x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 आना चाहिए, x की वैल्यू आई है माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3 आना चाहिए। यहां देखिए इन दोनों की साइन डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस कर दिया जाएगा, तो माइनस करने का मतलब होता है 1 एंड हाफ, हाफ में से 1 नहीं 1 माइनस हाफ ये हाफ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 बाय 2 और नीचे कितना हो जाएगा जनरल मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए 2 हाफ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 3 अपॉन 2 का मतलब 1 एंड साफ कर दीजिए इसको, डिवाइड है तो 1 अपॉन 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और फ्रैक्शन चेंज हो जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कहां जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 ये फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखिए इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। इसी टाइप का देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, मिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आधा तो माइंड में रहता है और आधा फ्रैक्शन में हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 1 अपॉन 7 x माइनस 3.9 इज इक्वल टू 2.5 इसको बदल दीजिए 1.2 x माइनस 3/5। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, अब क्या करें, जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कर दीजिए, सबको करना चाहते हैं इसमें, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में सबको एक साथ कर दीजिए आसान हो जाए। 1/2x इसका मतलब यह हो गया कि इसको 1.2 to 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x हो गया माइनस 3.9 इक्वल टू 2.5x माइनस इसको भी डेसिमल में चेंज कर दीजिए, तो डेसिमल में चेंज करने का मतलब 3 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लेके गए 0 बढ़ जाएगा 5, 6 या 13 ऐसे हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 0.6 इसकी वैल्यू हो गई 0.6। अब देखिए एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, जितने टर्म दिखाई दे रहे हैं सब एक जैसा है, तो एक जैसा है इसका मतलब है 0.5x माइनस, अब इसको इधर लाएंगे माइनस 2.5x इक्वल टू माइनस 0.6 ये है और इधर जाएगा तो प्लस 3.9। अब सॉल्व करना है, यहां देखिए प्लस है ये माइनस है ये दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए दोनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब 2.5 में से 0.5 माइनस कर दीजिए दिया जाएगा 2.0x हो जाएगा, मींस ये हो गया 2.0x इक्वल टू। अब यहां देखिए इन दोनों के भी साइन डिफरेंट है, माइनस करके लिख करके माइनस करिए
देख करके माइनस करेंगे तो बेटा 100% बता रहे हैं कि गलत होगा। कभी भी कोई काम पूरा मत करिए, जो भी करिए सब रिटेन करिए। रिटेन करने से फायदा ये होता है कि हम जो भी करेंगे सब एकदम अपग्रेड करेंगे, कभी गलत नहीं होगा, गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। मीन्स आप देखिए 3.9 में से -0.6 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस 6 माइनस करिए तो 3 आ जाएगा, 3.3। ये हो गया कितना, 3.3 हो गया। ये माइनस में है, माइनस में से माइनस करिए, -2x लिख सकते हो इसको, इक्वल टू 3.3। अब x इक्वल टू ये 3.3 अपॉन 2, से -2 से डिवाइड कर सकते हो तो 2 1 2 पॉइंट लग जाएगा, 2 6 12 1 बचा 2 5 10 मीन्स हो गया x इक्वल टू 1 -1.65 x। फिर इसको अगर चेक करना चाहते हो लंबा क्वेश्चन इसलिए चेक करना चाहते हो कि हमारा ऐसे सही आएगा कि गलत आएगा, देख लीजिए वही चेक 1/2x - 3.9 = 2.5x - 3.5 वैल्यू पुट कर दीजिए 1 - 1.65 - 3.9 = 2.5 - -1.65 - 3/2। चाहो तो इससे भी पॉइंट को चेंज कर दो तो 0.5 हो जाएगा इंटू 1 - 1.65 - 3.9 = 2.5 - 1.65 - इसको लिख सकते हैं 0.6। सॉल्व कर दीजिए 5 5 25 5 6 30 30 कैरी 2 है 32 5 5 5 5 3 8 2 1 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा -3.9 लग जाए। आगे आइए 25 5 125 45 3 को पॉइंट लगा दीजिए -0.6 इसको सब करिए, इसको दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तब जान लीजिए हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलत। देखिए अब इसमें से -3.900 कर दीजिए क्योंकि 3 पे पॉइंट है 0.825 माइनस के लिए 5 7 0 3 माइनस कितना है। आगे आइए यहीं पे 4.125 में से 0.6 माइनस के लिए 0 0 ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस है दोनों प्लस होगा गलत हो गया 5 2 9 8 17 3 4 माइनस कितना आया इनको ऐड कर दीजिए, ये भी दोनों माइनस माइनस में 5 2 7 4 माइनस। ये देखिए दोनों साइड क्या आया, इक्वल है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप लोग केयरफुली सॉल्व करिएगा।
कभी भी डीएनए कैसे गलत नहीं हो सकता।